की डेट है 30 जुलाई, तो 30 जुलाई से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस बनते हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, फ्रांस में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप जयपुर की अवनि लेखरा ने 50 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? जो 50 मीटर की एयर राइफल जो कि कॉम्पिटिशन हुआ था, इसमें जो अवनि लेखरा है उन्होंने कौन सा पदक जीता था? ये दो हुए थे, एक 10 मीटर पे हुआ था, एक 50 मीटर पे, तो इन्होंने दोनों के अंदर ही गोल्ड जीता है। फैक्ट की बात की जाए, फैक्ट किस प्रकार से होंगे, जयपुर के पैरा निशानेबाज अवनि लेखरा ने फ्रांस में चल रही पैरा निशानेबाज वर्ल्ड कप में 50 मीटर एयर राइफल में कितना स्कोर किया? 458.3 स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता। इससे पहले इन्होंने 10 मीटर की एयर राइफल में भी गोल्ड जीते, यानी दोनों में इन्होंने गोल्ड ही जीता है। टू नंबर क्वेश्चन आता है, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना किस जिले में करने की मंजूरी मिल चुकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जयपुर। जयपुर के अंदर इसको स्थापना करने की मंजूरी मिल चुकी है। नेक्स्ट इसके फैक्ट देखें तो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना जयपुर में कर दी है। इस संस्था को सोसाइटी के रूप में स्थापित किया जाएगा, इसके रूप में सोसाइटी के रूप में। क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, भुवासर भरतपुर के मेडिकल कॉलेज एवं विद्यालय का नाम किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखा जाएगा? शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया, जयनारायण या हरिदेव जोशी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो जगन्नाथ पहाड़िया थे उनके नाम पर इन कॉलेजों के नाम रखे जाएंगे। फैक्ट देखें, भुवासुर भरतपुर के मेडिकल कॉलेज में विद्यालय के नाम भूतपूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के नाम पर रखा जा रहा है। भुवासुर के भरतपुर के राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया, जिन्होंने 20 मई 2021 में निधन हुआ था। वो हरियाणा और बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। फोर्थ नंबर, ग्राम बादा में 1000 मेगावाट के सोलर पार्क प्रोजेक्ट की भूमि आवंटित के लिए मंजूरी दी गई है, यह किस जिले में है? श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर या उदयपुर? इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर, यह जैसलमेर में स्थित है। फैक्ट, जैसलमेर के ग्राम बादा में 1000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने की भूमि के लिए दिया गया, ये अंडानी रिफ्यूल एनर्जी को दिया गया है जो कि अब राजस्थान में इसका। ये जैसलमेर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे किस प्रकार से होंगे, फरवरी 2022 में वायुसेना का युद्धाभ्यास चांदन जैसलमेर तनोट सीमा पर हुआ था, जो कि शक्ति दर्शन प्रोजेक्ट जैसलमेर वार्ड में सांसद कैलाश चौधरी के राज्य मंत्री रह चुके हैं, और मरु महोत्सव भी जैसलमेर में हुआ था 13 फरवरी से लेकर 16 फरवरी 2022 से। मिस मुमल कुमारी पायल भी जैसलमेर की, मिस डेजर्ट तरुण शर्मा वो भी जैसलमेर से ही बिलोंग करती है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको इसकी PDF सर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में मेडी टूरिज्म वेलनेस की स्थापना कहाँ पर करने की मंजूरी दी गई है, यानी इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? टोंक, भरतपुर, राजसमंद या फिर बीकानेर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नाथद्वारा, राजस्थान के अंदर इसकी स्थापना की जाएगी, जो कि राजसमंद के अंदर पड़ता है। फैक्ट देखें तो, प्रकृति योग और आयुर्वेद तीनों के गुणों के साथ मिलकर इसकी स्थापना की जाएगी, जिसे मेडी टूरिज्म के नाम से जाना जाएगा। इसकी स्थापना नाथद्वार राजसमंद में की जाएगी। अब आता है 6 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में संचालित स्वामित्व योजना का संबंध किस में है? जो स्वामित्व योजना है वो राजस्थान के स्वास्थ्य सुरक्षा गाँव, राजस्थान गाँव के डिजिटल पटल की जानकारी या पेयजल में? उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान गांव में डिजिटल पट्टे पर जारी करने के लिए इसकी स्थापना की जाएगी और इसका संबंध इसी से ही है। फैक्ट की बात करते करें तो, फैक्ट देंगे, मई 2022 में प्राप्त जानकारी के अनुसार ड्रोन सर्वे की सहायता से लोगों की आबादी बारे को की जानकारी की जाएगी, जो कि डिजिटल तरीके से की जाएगी। योजना के चारों तरफ इसे किया जाएगा, जयपुर, दूसरा जैसलमेर आदि जगह पर इसकी कार्यालय शुरू कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 था, सुनील माथुर द्वारा रचित प्रथम महाकाव्य ग्रंथ विचारों का अध्ययन थी, इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? इसका आंसर होगा ए, डॉक्टर सीपी जोशी के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। फैक्ट किस प्रकार से होंगे, राजस्थान विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने सुनील माथुर द्वारा रचित ग्रंथ का विमोचन, जिसका नाम है विचारों का अध्ययन, इस काव्य ग्रंथ के समय एक नई पहल को लेकर जीवन में सभी विमंग प्रवचनों को संभावित करने के लिए 25 कविताओं का संकलन किया गया है।
नंबर क्वेश्चन आता है, राजस्थान में ग्रीन टैक्स 2020-22 में कितना राजस्व अर्जित किया गया है? ग्रीन टैक्स क्या था? 321, 26, 456, मतलब क्या था, मतलब ये 236 है, 218.47 करोड़ रुपए की लागत से इन्होंने राजस्व को अर्जित कर लिया, जो 21-20 और 21 का रहा, 22 अभी निकला नहीं है। इसके फैक्ट किस प्रकार से होंगे देखिए, प्रदेश में प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए राजस्व एकत्रित करने का उद्देश्य से वाहन पंजीकरण में ग्रीन टैक्स के लिए 2006 में एक अधिनियम लागू किया गया था। राजस्थान पर्यटन के आधारभूत विकास में निधि का गठन 29 फरवरी 2012 से कर दिया गया था। प्रदेश में ग्रीन टैक्स के रूप में 2019-20 के अंदर 2.18.47 इतनी करोड़ रुपये ग्रीन टैक्स के रूप में अर्जित किए, जो कि राज्य सरकार के होंगे। नेक्स्ट 9th नंबर, सितंबर माह में शिक्षा विभाग की रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम रहा? अलवर, बीकानेर, जोधपुर या फिर चूरू? तो फ्रेंड्स चूरू नंबर 1 पे आया, ऑप्शन नंबर डी। शिक्षा विभाग के अंदर पहले कोटा आया था, इसके बाद चूरू आया है। शिक्षा विभाग ने सितंबर में इसकी रैंकिंग की लिस्ट जारी की गई है। चूरू आया है प्रथम पे और धौलपुर आया है अंतिम स्थान पर। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए। 60वीं जो ओपन राष्ट्रीय एथलीट चैंपियनशिप हुई थी, इसमें 2021 में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? 6, 5, 7 या फिर 9? इसका आंसर हो जाएगा 5। राजस्थान ने कुल 5 पदक जीते हैं, इसमें से 3 गोल्ड, 1 रजत और 1 कांस्य पदक होगा। नेक्स्ट आता है, घोड़ा पछाड़ नदी पर हेमिंग जैसा फुट ब्रिज बनेगा, वो किस जिले में है? तो घोड़ा पछाड़ नदी कोटा, बूंदी, जोधपुर या फिर अलवर? इसका हो जाएगा ए, जो कि बूंदी जिले के अंदर है। बूंदी जिले के मरथुम में घोड़ा पछाड़ नदी पर स्टील का एक ब्रिज बनेगा, जो कि कोटा के हैंगिंग ब्रिज से बिल्कुल मेल खाता हुआ रहेगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान के एथलीट कोच महावीर सैनी का द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा जा रहे हैं, राजस्थान के किस कोच के एथलीट रह चुके हैं? सुंदर सिंह गुर्जर, भवरी देवी, गुलशन कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा सुंदर सिंह गुर्जर, ये एथलीट कोच के रूप में रह चुके हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। अभी सुंदर सिंह गुर्जर को कोच बनाया गया, जो कि इनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित भी किया जाएगा। इसकी राशि कितनी कर दी गई है? 5 लाख रुपये, पहले 1 लाख थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? अमित शाह, नरेंद्र मोदी या फिर अशोक गहलोत? तो इसका क्या है, नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका विमोचन मतलब उद्घाटन कर दिया गया है, जो हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने इसका कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसका विमोचन किया गया है, जो कि रासायनिक कार्यकर्ताओं वाले कच्चे, मतलब जो भी रासायनिक चीजें ना केमिकली, उनके ऊपर इसका किया जाएगा, 2025 तक इसका पूरा शोधन कर दिया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।